हाय एवरीवन, वेलकम, खुशामदीद। पावर पॉइंट की इस सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं सेवेंथ वीडियो तक, जहां पर हम आज सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का प्रोजेक्ट क्या है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जूम ऑब्जेक्ट। आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड है, उस पर कोई फ़ोटो लगा है, उस फोटो के किसी एक हिस्से को आपको जूम करना है। तो ये जूम आप कैसे करोगे? आप चाहते हो कि फ़ोटो का कोई एक हिस्सा, कोई एक पार्ट थोड़ा सा जूम होके दिखाई दे, तो ये आप पावर पॉइंट में कैसे बनाओगे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। मेरे पास आपके लिए एक डेमो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से जूम ऑब्जेक्ट करेंगे, यानी जब हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा। ओके, तो मैं आपको वो डेमो दिखाता हूँ। मेरे पास है ये एक प्रेजेंटेशन जूम ऑब्जेक्ट, ये जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, आप देखेंगे इसमें एक फ़ोटो का एक हिस्सा थोड़ा सा जूम होगा। चलिए देखते हैं, मैंने इसे रन कराया, देखिए ये प्रेजेंटेशन है, इस हिस्से को जूम करना है, तो देखिए ये इस तरह से जूम हो रहा है। ओके, तो ये आपने देखा कि किस तरह से इस फोटो का एक हिस्सा, पर्टिकुलर कोई पार्ट जो है वो जूम हो रहा है। इस जूम को हम कैसे बनाएंगे पावर पॉइंट में, वो देखते हैं। मेरे पास है ये एक प्रेजेंटेशन, और सबसे पहले इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद एक फ़ोटो इंसर्ट करा लेते हैं, पिक्चर और ये फ़ोटो। इस फोटो की विड्थ कम है, इसको हम फिट कर लेते हैं स्लाइड पर ताकि ये अच्छी सी दिखाई दे। ये थोड़ा सा स्ट्रेच जैसी लग रही है। ऐसा करते हैं, इस फोटो को थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं पहले। इसको सेलेक्ट किया, क्रॉप, और यहाँ से इतना कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फोटो ठीक लग रही है, एकदम स्लाइड पे फिट आ गई है। अब जूम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारी ट्रिक ये होती है कि इसी फोटो के ऊपर एक और इसी की कॉपी चिपकाएं, और केवल उतना हिस्सा चिपकाएं जितना हमें जूम करना है, और उसी हिस्से को जूम कर लें। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस फोटो को सेलेक्ट किया, इसकी एक कॉपी बनाई, पेस्ट किया। देखिए दो कॉपीज हो गई हैं फ़ोटो की, देख रहे हैं, एक फ़ोटो ये है और एक ये। तो इस फोटो को इसके ऊपर रखेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर पे रखना है। देखिए बिल्कुल सेंटर पे आ गई है, डॉटेड लाइन से डिस्प्ले हो रहा है, फ़ोटो सेंटर में आ गई है। अब इस फोटो को क्रॉप करते हैं। फ़ोटो क्रॉप करने से पहले हमें एक काम ये करना होगा, इस पर हमें एक शेप बना लेना होगा। किस शेप में आपको क्रॉप करना है, जैसे मुझे सर्कल में क्रॉप करना है, राउंड राउंड सर्कल में जैसे दिखाया था, तो इस पर एक शेप बनाइए पहले। होम, यहाँ से सर्कल ले लिया आपने, ओवल, और इसको आप ड्रॉ कर लीजिए शिफ्ट के साथ प्रेस करके। ये आपने इसे ड्रॉ कर लिया, फॉर्मेट में गए, शेप फिल को नो फिल कर दें, और आउटलाइन जो है वो इस कलर की ले लेते हैं, ब्लैक। ओवल बनाने के बाद इसको सेंटर में कर लेते हैं। ओके, इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, जो शेप की आउटलाइन है उसकी थिकनेस 6 पॉइंट कर दी मैंने। ओके, शेप बनाने के बाद, ये सर्कल बनाने के बाद, अब आपको इस फोटो को क्रॉप करना है। लेकिन फ़ोटो क्रॉप करने से पहले फॉर्मेट पे क्लिक करिए, और क्रॉप का जो एरो आ रहा है नीचे, इस एरो पर क्लिक करिए, एक लिस्ट खुलेगी, इस लिस्ट में ऑप्शन आएगा क्रॉप टू शेप। आपने कौन सा शेप बना रखा है, ओवल बना रखा है ना अपनी स्लाइड पर, तो यहाँ से ओवल सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको ओवल के हिसाब से इसे क्रॉप करना है। अब दोबारा फिर से क्रॉप पे क्लिक करिए, जब आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब आप इसे जब क्रॉप करें तो जो पीछे ओवल बना हुआ है उसकी लाइन से मिलाइए, देखिए डॉटेड लाइन से डिस्प्ले हो रहा है, पीछे के ओवल से ये मिला हुआ है, मैच हो गया है। इधर भी इसको भी मैच कर लीजिए, टॉप साइड भी मैच कर लीजिए, और बॉटम भी मैच कर लीजिए इस तरह से। अब इसे क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ये बिल्कुल उसी शेप में क्रॉप हो गया है जिस शेप में पीछे का फोटो है।
बस आपको एक काम ये करना है, इस शेप को थोड़ा, मतलब ये जो फोटो आपने क्रॉप किया है छोटा वाला, इसको इसका साइज थोड़ा कम कर लीजिए ताकि ये ओवल को छुपाए नहीं, ठीक है। तो आपने इसका साइज थोड़ा सा कम किया, कंट्रोल शिफ्ट दबाया और बैक एरो की, बस इतना ठीक है, जिससे कि पता भी ना चले कि इसको थोड़ा छोटा किया गया है और हमारा फोटो फिक्स भी हो जाए। अब आपको क्या करना है, देखिए फोटो सेट हो गया, अब ओवल पर एनिमेशन लगाइए। ओवल को सेलेक्ट किया मैंने, जो शेप बना हुआ है उसे सेलेक्ट किया, एनिमेशन पर गए, यहाँ से व्हील एनिमेशन लगा दिया, ये लग गया। उसके बाद दोनों को सेलेक्ट करिए, शेप को भी और क्रॉप किए हुए छोटे से फोटो को भी, और दोनों को सेलेक्ट करके आप इस पर एक एनिमेशन ऐड करिए। ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इम्फेसिस एनिमेशंस में आपको एक एनिमेशन मिलेगा, ग्रो श्रिंक, इस टाइप से। तो आपने इसे क्लिक किया, ये इस टाइप से ग्रो करेगा। ओके, आपकी ये जूम ऑब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार है। अब आप इसे रन कराइए, F5 प्रेस किया, एंटर एंटर, देखिए ये जूम हो रहा है और ये बिल्कुल वैसे ही जूम हो रहा है जैसा कि हमने डेमो में देखा था। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, फोटो का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो है वो जूम करेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि अगले प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन जबकि मैं अपलोड करूं आपको तुरंत मिले और आप उसे तुरंत देख पाएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टास्क करने के लिए पावर पॉइंट को आप यूज़ करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। टेक केयर, थैंक यू।